वेतन नहीं मिलने और पीएफ का पैसा जमा नहीं होने से आक्रोशित श्री हरि पब्लिक स्कूल के शिक्षक इंदौर के हीरानगर थाने पहुंच गए। शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने 21 मार्च तक काम किया, जब शिक्षकों ने सैलरी की मांग की तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। लॉकडाउन में लोगों को सबसे ज्यादा वेतन की ही समस्या आई है। 3 माह के लॉकडाउन के दौरान वेतन नहीं मिलने से आक्रोशित शिक्षक हीरानगर थाने पहुंचे और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मामला हीरानगर थाना क्षेत्र स्थित श्री हरि पब्लिक स्कूल का है। लॉकडाउन लगने के बाद शिक्षकों ने मार्च और अप्रैल माह की सैलरी की मांग की तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और पैसे भी नहीं दिए। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि श्री हरि पब्लिक स्कूल जगदीश चौक से का है। शिक्षकों का आरोप है कि उनका 2 साल से पीएफ भी नहीं जमा किया गया है। इस मामले में डायरेक्टर विवेक तिवारी का कहना है कि हमने सभी शिक्षकों का पूरा पीएफ जमा करा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए तिवारी ने कहा कि हम आदेश के हिसाब से ही सैलरी देंगे। तिवारी ने कुछ शिक्षकों पर नेतागिरी का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि किसी को कोई समस्या नहीं है, कुछ लोग हैं जो अपनी ही बीन बजाते हैं। सर, सबसे पहली बात है कि हम लोगों लॉकडाउन के चलते हमने सैलरी की मांग करी थी सर से। हमने पूरा पूरा सहयोग दिया सर को। 21 मार्च तक हम लोगों ने जॉब करा है, जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद हमको निकाल दिया गया और उसके बाद भी ये लेटर दिया गया और वो भी 1 महीने पहले से। अगर किसी को नौकरी से निकाला जाता तो 1 महीने पहले बताया जाता है। हम लोगों को लॉकडाउन के चलते ये नौकरी से भी निकाल दिया गया, सिर्फ हम लोग हमारी सैलरी की मांग करी थी सर श्री हरि पब्लिक स्कूल में सर 2 महीने की, मार्च और अप्रैल। सर अभी हमारे ऊपर दूसरे आरोप लगाए जा रहे हो। पहली बात तो जो ये व्यक्ति बोल रहा है ये हम इसको जानते ही नहीं है, क्योंकि इससे हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई है, ये स्कूल में थे ही नहीं। ये हम इनको पहली बार देख रहे हैं सर, है ना। हम जिनका ये स्कूल है वो जगदीश चौक से सर है, उनसे हमारी बात हुई थी और उन्होंने मना करा है सर। हमने सिर्फ हमारी पीएफ की मांग करी थी, वो भी 2 साल से हमारा पीएफ जमा नहीं हो रहा था और हमारे पास मैसेज आ रहे थे। तो हमने पीएफ ऑफिस में जब पता करा तो सर ने और सर के बेटे हैं आनंद चौक से सर, उन्होंने हमसे कहा कि आप चले जाइए, हमारे हस्बैंड तक आए थे उनसे मिलने, उनकी बेइज्जती करके सर ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया और उनसे कहा कि आप लोग जाइए और पता करके आइए। तो सिर्फ सर हम 15 टीचर थे सर, हम लोगों ने सिर्फ पीएफ का पता करने गया। स्ट्राइक किसने की सर हमको नहीं पता। और सर इनसे स्ट्राइक के रूल पूछ लीजिए कि स्ट्राइक के रूल क्या होते हैं। स्ट्राइक के रूल ये होते हैं सर कि आप है ना बैनर लेके खड़े हैं, हाँ हल्ला बोल कर रहे हैं सर, वो होता है तमाशा कर रहे हैं, स्ट्राइक वो होती है, स्ट्राइक ये नहीं होती है सर। और हम इस व्यक्ति को जानते नहीं है जो सर। शिक्षक गण वहाँ पर पहुँचे थे और हमें सूचना मिली कि उन लोगों ने वहाँ पर जाके कंप्लेन की है। ये बोला गया है कंप्लेन इन द सेंस उन्होंने एक आवेदन दिया है कि स्कूल से हमारा सैलरी नहीं मिल रहा है और पीएफ ईएसआईसी अभी तक बाकी है। तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे और जाके सारा मामले की जब जाँच की गई तो उसके बाद हमने अपने जो मतलब जो भी हमारा आंसर बन रहा था वो हमने दिया। उसमें सबसे मेन एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इन लोगों को पीएफ ईएसआईसी का इशू था, जो कि हमारी तरफ से ऑलरेडी क्लियर करा जा चुका है। सारा पीएफ और सारा ईएसआईसी इवन अप्रैल और मई मंथ का भी भर चुका है, अभी कुछ भी नहीं बचा है, नो ड्यूज है उन दोनों की तरफ से। जब हमने ये बात बताई तो उन्होंने बोला कि आप सैलरी पर आ जाते हैं, सैलरी आप लोगों ने क्यों नहीं दी है। तो हमारा ये कहना था कि भाई माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है हम उस आदेश का पालन कर रहे हैं और उसके हिसाब से ही सैलरी देंगे। हमारा बस इतना कहना है कि आप स्कूल आएँ और स्कूल आने के बाद जो पिछले वर्ष 4 और 5 दिसंबर को जो स्ट्राइक की गई थी उसका हमने इन्हें एक नोटिस भेजा है कि कारण बताइए कि आखिर ये आपने स्ट्राइक क्यों की थी। हाँ, तो उस वो स्ट्राइक के संबंध में वो आना नहीं चाह रहे हैं। उनका ये कहना था कि वो हमने की नहीं थी, उस दिन हम छुट्टी पे थे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक साथ पूरे 65 के 65 स्टाफ छुट्टी पर चले जाएं। आज भी 46 से 50 स्कूल के टीचर्स ऐसे हैं जिनको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी समस्या नहीं है इन संबंधों में। उनका कहना है कि हम प्रबंधन के साथ हैं, जब भी सैलरी होगी, 20 साल में कभी सैलरी नहीं रुकी तो अभी भी नहीं रुकेगी, ये उनका कहना है। लेकिन ये कुछ नेता टाइप के शिक्षक हैं जो अलग से अपनी बीन बजाते रहते हैं। उनका ये कहना है कि आपने सैलरी नहीं दी इस वजह से ऐसा ऐसा हो गया। तो हमारा भी उनको कहना था कि हम किसी की भी सैलरी रोकेंगे नहीं, आपसे बस निवेदन इतना है कि स्कूल के जो बच्चों की रिजल्ट्स हैं वो लॉकर की चाबी, अपनी यूनिफॉर्म, आईडी, ये सारा कुछ जमा कीजिए और जमा करने के बाद आप जो भी आपका सैलरी है वो लेके जाइए। तो उसके लिए डेट फिक्स हो गई 31 जुलाई के पहले हम लोगों ने वहाँ पर सबमिट कर दिया है कि हम सारा जो भी सैलरी वाला मैटर है वो क्लियर करेंगे बाकी सभी टीचर्स के साथ। तो कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनका अभी लिखित में हमारे पास आना बाकी है, तो हम उनके और एविडेंसेस की तलाश कर रहे हैं कि भाई जैसे भी हमारे पास आ जाता है तो उस संबंध में
हमने इसको 31 जुलाई तक के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया और दे वर ऑल एग्रीड, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़। स्कूल का नाम क्या है, कितने टीचर यहाँ पर? श्री हरि पब्लिक स्कूल, 85 सुंदर नगर एक्सटेंशन। ये 20 साल से स्कूल है और करीब तकरीबन 64 से 65 यहाँ पर मतलब टीचर्स हैं, जिनमें से परमानेंट भी हैं टीचर्स, और परमानेंट के अलावा कुछ टीचर प्रोबेशन पीरियड पर भी हैं। आरोप ये भी लगे हैं शिक्षकों के द्वारा के स्कूल प्रबंधन के द्वारा उनके साथ अभद्रता की जाती है, अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। अगर अगर ये बात है तो फिर ये सभी के साथ लागू होनी चाहिए। ये पूरे के पूरे जो बचे हुए 50 टीचर हैं उनको हम एक साथ ला के खड़ा कर सकते हैं। आप पूछ लीजिएगा कि मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट कितना है, मतलब हम किसी भी चीज़ में ना आज तक कभी उनको कोई बात बोली है और ना कभी, सारे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने प्रिंसिपल मैम को दी हुई थी और वो ही सारा हैंडल करती थी। शी वॉज द 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट फॉर ऑल द टीचर्स। बहरहाल शिक्षकों की शिकायत पर हीरानगर पुलिस ने मामला जांच में लिया है। यह देखना रोचक होगा कि आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरवान न्यूज, इंदौर।